चुप रहो, एक बार भी मत निकालो, भौंकने दो। गाली मत दो, यही से थप्पड़ मारूंगी। नमस्कार, दिल्ली तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैशाली महेश्वरी। अब तक आपने सोशल मीडिया पर दिल्ली मेट्रो के कई अतरंगी वीडियोस वायरल होते हुए जरूर देखे होंगे, जिसमें नाच गाने से लेकर लड़ाई झगड़े के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते हैं, जिससे सोशल मीडिया पर दिल्ली मेट्रो की एक अलग ही छवि देखने को मिल रही है। लेकिन इसी कड़ी में अब दिल्ली की DTC बसों की भी एंट्री हो गई है। वैसे ये कहना गलत नहीं होगा कि सोशल मीडिया पर कब कौन सी चीज वायरल हो जाए इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। हाल ही में एक बहसबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें दिल्ली की DTC बस के अंदर महिलाओं को लड़ते और बहसबाजी करते हुए देखा जा रहा है, जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया है। यही वजह है कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। गाली मत दो, यही से थप्पड़ मारूंगी। गाली कितने दे रही है, भौंक क्यों रही हो? गाली कितने दे रही है, तमीज से बात कर। गाली कितने दे रही है, अब बोल इसको। गाली कितने दे रही है, सही है बोल। आप कुछ क्यों बोले, गाली है कितनी देर से बोले? मैंने गाली दिया, तू कहाँ से बात करी? हाँ कहाँ से बात कर रहे हैं तू? गाली दिया बोल, ही सही है बोल। क्या बोला मैंने? अच्छा तू गाली है? इंटरनेट पर वायरल हो रही इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि DTC बस में तीन महिलाओं के बीच किसी बात को लेकर जमकर बहसबाजी हो रही है, जिसमें पहली महिला ये कहती हुई नजर आ रही है कि अकेले ही काफी हूँ, जिस पर दूसरी महिला कहती है अरे आप आगे जाइए। वहीं तीसरी महिला दूसरी महिला से पहली युवती के लिए कुछ ऐसा कह देती है, जिससे ये बहस जंग में तब्दील हो जाती है। गाली मत दो, यही से थप्पड़ मारूंगी। गाली कितने दे रही है, भौंक क्यों रही हो? गाली कितने दे रही है? और इसके बाद तो पहली महिला आग बबूला हो जाती है और कहती है गाली मत दो, यहीं से एक थप्पड़ मारूंगी। महिलाओं की इस बहस का वीडियो किसी ने अपने मोबाइल से रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो कि अब वायरल हो रहा है, जिस पर लोग अलग अलग तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। बहरहाल, आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है कॉमेंट्स में जरूर बताएं। मुझे दीजिए इजाजत, और दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।